हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकीरा पैराडाइस। आज हम बनाने वाले हैं केएफसी स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न और ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। आपको केएफसी जाने का भी ज़रूरत नहीं है और आधा कॉस्ट में आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम केएफसी जैसा चिकन पॉपकॉर्न बना है ये। और ये सिर्फ 35 मिनट्स में तैयार हो जाएगा विथ मैरिनेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेंगे ऐसा। इसके बाद हम एक कटोरी चिकन ले लेंगे और इसे कुछ ऐसे पीसेस किया है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में, ऐसे ही पीसेस आप कर लीजिएगा। और एक कटोरी चिकन मैं एक बड़ा सा बाउल में डाल दूंगी और इसके बाद मैं एक चम्मच पिसा हुआ अदरक ले लूंगी। आप अदरक पाउडर भी ले सकते हैं, तो इसे मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगी। और इसके बाद कुछ एक चम्मच लहसुन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लहसुन पीसा हुआ लहसुन लिया है, इसे मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगी। इसके बाद एक चम्मच विनेगर और एक चम्मच सोया सॉस इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा दही। दो चम्मच दही डालूंगे मैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। नमक चम्मच से ही डालती हूँ क्योंकि मेजरमेंट का थोड़ा सा इशू हो जाता है, इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कर्ड दही मिलके सब पूरा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसे हम लगभग आधा घंटे के लिए ऐसे मिला के छोड़ देंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है, अब हम 30 मिनट तक इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तक हमारा मैरिनेशन हो रहा है तब तक हम इसका कोटिंग तैयार कर लेंगे। एक बड़ा बोल लिया है मैंने और इसमें मैं लगभग 3 चम्मच मैदा डाल दूंगी। और इसके अलावा इसे और क्रंची करने के लिए कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूंगी। और इसके अलावा आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुछ नहीं डालना है इसमें, पानी भी नहीं डालना है हमें, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमारा मिक्स हो गया है और लगभग 30 मिनट हो चुका है, तो अब हम ये चिकन को वापस ले आएंगे। और ये जो हमने कोटिंग बनाया है, इस कोटिंग में हम ऐसे डायरेक्टली डाल के इससे चारों ओर से कोट कर लेंगे और अलग से एक प्लेट में रख देंगे हम इसे। ऐसे करके मैं बाकी सारे चिकन को भी कोट कर लूँगी, अच्छे से कोट कर लेंगे हम चारों ओर से। इसके बाद हम फ्राई करने चलेंगे। ये हमारा कोटेड चिकन सारा तैयार हो चुका है, ये कुछ इस तरह बन चुका है कोटिंग के बाद। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा कढ़ाई में रिफाइन ऑयल ले लिया है और इसके बाद ये जो चिकन है गर्म होने के बाद इसमें चिकन डाल देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम धीरे धीरे एक एक करके चिकन इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से डालिए कि आपका हाथ ना जले। और हम लगभग 30 सेकंड्स तक इसे फ्राई होने देंगे अच्छे से। ये देखिए मेरी बहन आ गई फ़ोटो खींचने। और इसे हम मीडियम फ्लेम में पूरा फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया है। तो हम इसे टर्न करते रहेंगे और आप देखते रहिए बार बार, कुछ ऐसे समय का कुछ ऐसा नहीं है, पाबंद नहीं है, आप देखते रहिएगा कि कैसा कलर हुआ है। अब दोनों साइड्स हम 30 सेकेंड्स फ्राई करेंगे पहले, और इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे और लो फ्लेम में हम इसे पकाते रहेंगे, क्योंकि अंदर में चिकन कच्चा है और बाद में आपका कवर पक जाएगा और चिकन नहीं पकेगा, इसीलिए हम इसे और लगभग 2-3 मिनट तक पकाएंगे एकदम लो फ्लेम में। अभी हमारा पक चुका है तो अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कलर होने से आप निकाल लीजिएगा। अब मैं मेरे बाकी और जो बचा हुआ चिकन है उसे भी फ्राई कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से कलर आने के बाद ही हम इसे निकाल देंगे फ्राइंग से। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे, इसे आप गरम गरम ही खाइएगा। हमारा चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना है, एकदम हमारा KFC वाला चिकन पॉपकॉर्न जैसा बन गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आज ही आप अपने घर पे ये चिकन पॉपकॉर्न बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है, और ये वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।